सरिया का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ हर रोज कई कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड भी बढ़ गई है। सरिया की डिमांड बहुत ज्यादा है और इस डिमांड को देखते हुए आज इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं जो सरिया का प्रोडक्शन करती हैं और करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सदाबहार चलता है, इसलिए अगर कोई भी अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहता है तो वो सरिया का होलसेल बिजनेस शुरू कर सकता है और इस बिजनेस के अंदर अच्छी कमाई कर सकता है। इस वीडियो में सरिया के होलसेल बिजनेस के बारे में विस्तार से बताएंगे कि इसके अंदर कितना खर्च होगा और कितनी कमाई कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। किसी अच्छी सी टीएमटी बास कंपनी की डीलरशिप लेकर कस्टमर तक सरिया पहुंचाना सरिया का होलसेल बिजनेस कहलाता है। इसमें एसआरएमबी स्टील बास, टाटा टिस्कॉन, वाइजर टीएमटी, एसडब्ल्यू न्यू स्टील प्योर, कामधेनु, सेल किसी भी कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं और अपना सरिये का होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और जितना छोटा बिजनेस उतनी कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस बिजनेस की शुरुआत में आपको कुल इन्वेस्टमेंट लगभग 20 से 25 लाख तक करना होगा। मुनाफा कितना होगा? इस बिजनेस के अंदर 20% से 30% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, तो इस हिसाब से इस बिजनेस के अंदर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाए तो अच्छे रेट पर सामान मिल जाता है और अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। मार्केटिंग कैसे करें? किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग की जरूरत होती है। अगर मार्केटिंग की बात करें तो आप पब्लिसिटी के लिए लोकल टीवी या पेपर में एड दे सकते हैं, पैम्फलेट छपवाकर शहर में बंटवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको सरिया के होलसेल बिजनेस की पूरी जानकारी दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।